ये तो करना है, रोजा बीवी ने करना होता है। फरमाया कि रोजे रखे महीने के, जी बिल्कुल ठीक है, और अपने वजूद की हिफाजत करें, वजूद की हिफाजत करें, माना कि उसमें इज्जत की तरह से हवालत करें, ये तो करना ही बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद फिर वादा अज़ौजा, अपने खावत की बात करें, हुजूर कैसे मेरी ना इस नहर से जिंदगी का उनवान पाया कर लिया, बेटी की बीवी होती है और फिर वो बीवी की पिता कर मां बनती है, तो हुजूर फिर जन्नत खाने जन्नत नहीं, अल्लाह अकबर, इतनी सारी मेहनत का सिर्फ जन्नत नहीं, हुजूर इसके लिए क्या है। तो इसको अल्लाह तआला फरमाएगा जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तेरा जिधर से दिल करता है जन्नत में दाखिल हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़ी सी मेहनत है सोने, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत है अपने बेटे पर, अपनी बीवियों पर, अच्छी बेटी पर, थोड़ी सी मेहनत जो है इस तरह उसको आगे ले जाती है जन्नत में दाखिल। नहीं, जिधर से दिल करता है तो जन्नत में दाखिल हो जा। बहुत बड़ी इनाम, बहुत बड़ी सवाब, बहुत बड़ी सवाब, बहुत बड़ी सवाब। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अलहज्जुल मबरूर लैस लहु जज़ाउन इल्ला जन्ना। आप हुजूर फरमाते हैं कि हज एक होता है, हज एक होता है हज मबरूर, हज की नहीं हज मबरूर की जज़ा, सिवाय जन्नत के अल्लाह ने कोई रखी ही नहीं। आपके सामने वो ला रहा हूँ, सारी किताब आज जन्नत में लेकर जाती है, लेकिन बात चीज़ को मजीद हाईलाइट किया कि ये तो ज्यादा ही अहमियत के साथ जन्नत में ले जाने वाली है। एक होता हज, एक होता हज मबरूर। हज मबरूर क्या होगा, जिसमें आप एक बार भी नहीं लड़े, आज की और लड़ाई ना हो, अल्लाह हु अकबर, जिसमें आप एक बार भी नहीं लड़े, जिसमें आपने एक बार भी नजर को बहकने नहीं दिया, वहां इम्तिहान होता है ईमान का, नजरों का इम्तिहान हरमैन में होता है सोने। दुनिया भर के हुस्न पे हिजाब होगा, वहां कहीं ना कहीं नजर पड़ जाती है, जहां एक बार भी नजर नहीं बहती, जहां जुबान नहीं बहती, जहां सिस्त नहीं हुआ, जहां फजूल नहीं हुआ, जहां कहीं बच्चे मबरूर है, जहां अगर ऐसा नसीब हो गया है तो इसकी जजा सिवाय जन्नत की है ही नहीं है। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला बयान के काफी करीब की बात है, काफी करीब की बात आ गई है। हुजूर फरमाते हैं जिसने अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मस्जिद बनाई, तो अल्लाह उसी जैसा घर उसे जन्नत में अता फरमा देता है। एक गरीब आदमी था, क्या हुजूर अगर किसी ने बड़ी, असल में हुजूर फरमाते ही होते थे जुम्मा जुम्मा उबनुल मसाजिद जुम्मा, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाया करो, जुमा नहीं, जुमा और शह है, ये जुम्मा जो जम्मे गफीर, जो जुम्मा जिसमें जम्मे गफीर आए, तो हुजूर फरमाते थे मस्जिदें बनाया करो लेकिन बड़ी बड़ी। एक से आपने कहा जो गरीब आदमी आम तो बड़ी नहीं बना सकते हैं, अगर वो छोटी सी बनाते जितनी माँ भाई ना करी मक्का वल मदीना, जो मक्के और मदीने के रास्ते जो स्टेप पॉइंट्स होते हैं तो वहाँ छोटी सी होती है, आज भी छोटी छोटी होती है। अच्छा, मैं इस पर आपको एक बदनसीबी की कहानी सुनाऊं, ये अभी जैसे ये मस्जिद बन गई, अभी हमारे वाली मस्जिद बन गई, अल्लाह का कहर किसी को ना पसंद करे बड़ा मामला हो जाता है। सबसे पहले जिस बंदे के पास में गया, मैंने जानकार रखा, मैं कहता मैं पैसे मांगना मेरे मुझसे नहीं होता, मस्जिद के जमे गए लेकिन उस आगे कुछ लाभ साहब को मुझे मैं जिधर ले जाए ले जाओ, मैं अपनी मर्जी से नहीं करता। उनका इस बंदे के पास जाना है मस्जिद अटेंड करने के लिए, जिस पहले बंदे के पास गया ना, तो जाने से पहले क्या हमारे मस्जिद की बिटिया के पास आना चाहती है, कहते क्यों, मैंने कहा साफ सी बात है मस्जिद वाले पैसे ना होंगे, कहना कि मेरे पास में मेरे समय होते हैं लेकिन ये जाते हुए आपके नमाज पढ़ने पर दिल कर पड़ा गया, ऐसे ही आप देखो ना जाते जाते मेरे हजू ने कहा कि उस घोसे से मुझे याद आया, उस पर 10 रुपये देने की तौफीक भी ना हुई, उसे 1 रुपया देने की भी तौफीक ना हुई, हालांकि हजू ने ऐलान कर दिया हुआ था कि अगर तुम ऊंच के घोंसे बराबर भी बना दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें पूरा ही घर जन्नत में अता फरमाने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आसान बात बताऊं, आसान बात बताऊं, इन्ना लिल्लाहि 99 अस्माअन मन अहसाहा फदखल अल्जन्ना, अल्लाह के एक हम 100 नाम है, तो इन 100 नामों को पढ़ते रहा करो, अल्लाह इतना खुश होता कि बंदा मेरे नाम ले लेगा, मेरे नाम ले लेकर अपना नाम पुकारता है। तो जिसने अल्लाह के इन 99 नामों का हिसाब किया, लगा रहा लगा रहा लगा रहा, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमा देता है। अच्छा, इस 99 नामों पर आज मैं तुम्हें इल्म सुनाता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनमें कहीं एक जो है ना वो इसमें आजम भी है, बताया ना कभी भी उसने पास से दो टोक नहीं कहा ये वो ये है, कभी आप पुरानी पाक ही आयत पढ़ देते उसमें अल्लाह के 5-6 नाम होते, इसमें इसमें आजम है। अच्छा, फिर कभी कोई और आयत पढ़ देते इसमें इसमें आजम है, उसमें फिर अल्लाह के 5-6 नाम होते। अच्छा, फिर कभी किसी कोई आयत पढ़ देते और फरमाते इसमें है अल्लाह का इसमें आजम, तो नाम फिर ना बताते। मुहद्दसीन के अल्लाह ही के बनाए हुए बंदे हैं, मुफस्सिरीन के अल्लाह ही के बनाए हुए बंदे हैं, उन्होंने कहा जितनी आयतें हुजूर ने पढ़ी हैं सब बता दे, इनमें पांव किस्म का कौन सा है, मुश्तरक किस्म का कौन सा है, जो उधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी है। तो उन्होंने ढूंढा तो कहा वो तो हर आयत में जो है ही है, कोई दूसरा है कि नहीं है, वो है ही है, वो तो अल्लाह ही बनता है, वो ही इसमें आजम है, ये ताकि एक रब
ऐसा फिर भी हम नहीं कर सकते, जब हुजूर ने मुतायन नहीं किया मुतायन हम फिर भी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने फरमाया कि जो भी अल्लाह के इसमें आसम से दुआ करता है उसकी राजी नहीं करता, तो मैंने कुछ साहब ये इसमें इसमें 18 कौल है कि कौन सा इसमें आजम है क्या करें। मैंने कहा बहुत आसान हल है, आसान हल ये है कि जिस दिन तक खास दुआ करने को ना तो 99 के 99 नाम लेकर ना को या अल्लाह या गफूर या रहीम या सत्तार या गफ्फार, वो एक तो है ना, कहीं ना कहीं वो मैच हो जाएगा, अल्लाह की तुम्हारी जोड़ी की बरकत देगा। जिनके बच्चे कुरान पाक के हाफिज हो जाते हैं, ये कुरान पाक का हिफ्ज ऐसा उनवान है कि हुजूर फरमाते हैं कि इसके लिए जन्नत में दाखिला ही नहीं है सिर्फ, इसको ये आदत जारी किया जाएगा, इकरा वसअद इकरा वसअद इकरा वसअद, कुरान पाक पढ़ता चला जा, पढ़ते 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 जहां तक जा सकते हैं चला जा, जहां जाकर वह नाश हो गई उतनी जन्नत ऐ हाफिज अल्लाह पाक ने तुझे अता फरमा दी हुई है। इन बच्चों को अल्लाह तआला कुरान पाक का हिफ्ज नसीब फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। आइए भाई आइए जल्दी से हम देखें, रसूल पाक अलैहि सलाम ने कहा ये जो बेटियां हैं और जो औरतें हैं जमाने जाहिलियत में इनके साथ बड़ा जुल्म होता रहा है। जी या रसूलुल्लाह, मैं उस जुल्म को क़यामत तक ऐसा दोहूंगा कि आज लोग बेटियां लेने में नफरत करते हैं, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ लोग बेटियां मांग मांग कर अल्लाह ताला से लेंगे। हुजूर फरमा दीजिए आप क्या करवाना चाहते हैं। रसूल पाक अलैहि सलाम ने कहा जिसको अल्लाह ने आजमाइश में डाला और उसने दो बेटियां पाली, आने वाले इंसानों की जरूरतें सामने रख कर अपने कायनात की अपनी आंखें भी जा फरमाई है। आप सब जो बात में कहना चाहता था हुजूर फरमाते हैं जुमा के दिन आए करो तो दूर खाती ना पढ़ने आए करो। वैसे हदीस पूरा क्या लिखी है कोई और है, लेकिन उसकी फैमिली को जब दूसरी आ गई वो मुझे ज्यादा रहमत पैदा होगी। वो सुनाऊ दूर खाते ना पढ़ने जाए करो जुमे दिन सिर्फ दूर खाते हैं, कितने मेहमान मशहूर किया थी उनके दौर का सिर्फ ये बात है कुछ नहीं बनता। मैं क्या वैसे हम उसे हो रहे हैं, हुजूर ने तो ये भी फरमाया है अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो उसका दरवाजा तो अल्लाह पाक ने बाप ही को बनाया हुआ है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه من الله كريم آج جس مقام عبادت کے لیے اور اس خاندان سے اور اس مجلس میں سے جو احباب ہیں جن سب کے بڑوں چھوٹوں کے لیے دعا کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک وفد تیری خدمت میں حاضر ہوا ہے، اللہ کے ہم سارے کی بڑی بنائیاں لے کر آئے ہیں، دعا کرنے کا جذبہ اخلاص کا لے کر آئے ہیں، اے اللہ کریم جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا تلاوت کی گئی اس کے اذکار درود و سلام اتنے مہمانوں کی مہمان نوازی، یا اللہ کریم بیٹوں سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کر لیا ہے سب قبول فرما لے، اس کا ثواب سرکار دواروں کا یار ہمارے اسلام علیہ السلام دے تو خیر، ان تمام پاکیزہ کلمات ہدایا کا ثواب مطلوبات و مشروبات کا ثواب تمام انبیاء کے تمام صحابہ تمام مسلمان مسلمین مسلمات جتنے جہاں سے رخصت ہوئے ہیں سب کی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے، بالخصوص آج کی اس محفل کا انعقاد جناب محمد رمضان صاحب اور ان کے برادران کی والدہ مرحومہ کے لیے ان کے والد صاحب کے لیے اور ان کے بھائی صاحب کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، اللہ کریم ان کی روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما لے۔ میرے اللہ کریم میں ابھی ابھی تیرے محبوب کی ایک حدیث پڑھ کر آیا ہوں کوئی اخلاص کے ساتھ تجھے ایک بار اللہ بھی کہتے، اللہ کریم ابھی پڑھ کر آیا ہوں تو تیرے محبوب نے فرمایا ہے تجھے کوئی اخلاص سے ایک بار اللہ بھی کہہ دے اور تو راضی ہو جائے تو اس کی جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کریم اتنے بھائیوں میں کل اتنا کچھ پڑا ہے، مہربانی کر اس میں جس بندے کا اخلاص تجھے پسند ہے قبول فرما کر مرحومین کی بخشش فرما دے، اے اللہ کریم ان کے درجوں میں اضافہ فرما دے، اے میرے اللہ کریم ان کا آخرت کا سفر آسان فرما دے، اے میرے اللہ کریم دنیا میں رہتے ہوئے جیسے بھی ہم سے چھوٹے بڑے خطا گناہیں گناہ نادانیاں باسیتیں ہو جاتی ہیں، اے اللہ کریم ہمارے بڑوں سے بھی ہوئی ہیں وہ نبی نہیں تھے ان سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، بس عرض یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، اللہ کریم عرض یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، کرم نوازی پر کرم نوازی ہے کہ زبان پر تیرا نام جاری ہو جائے، ہم بس مولا ذرا شوق بھی ہے ضرورت بھی ہے مجبوری بھی ہے کہ دنیا چھوڑ کر جائیں تو تیرے نام سے اگلے سفر کا آغاز کریں، اے اللہ کریم مدد کر دینا ہماری زبان پر جاری کر دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے میرے اللہ کریم قبروں میں ہمیں سوالوں کا جواب دینے میں مدد نصیب کرنا تو خود ہی ہماری پہچان میں آنا اپنے محبوب کی پہچان نصیب فرما دینا، اے اللہ کریم جب قیامت کی صبح میں کے وفد کا نمائندہ ہونے کے ناطے تیرے حضور عرض کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو بھی چل رہا ہے
تیرا تیرے بندوں کا راز ہے تو خوب جاننے والا ہے، قبول فرما لے، ان کی حاجتیں آسان فرما دے، ان کی حاجتیں آسان فرما دے، حاجت روائی فرما دے، ہماری نسلوں کو بھی حضور احمد عالم علیہ السلام کا تابع دار بنا کے رکھنا. علامہ مشتاق صاحب ان کے ساتھ، علامہ صاحب، مولا تعالیٰ جتنے بھی علماء ہیں سب کی زبان میں قول و عمل میں مزید برکتیں و ترقیاں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه.